मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह सुभाषपा का प्रदेश महासचिव हूं और आजमगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर हूं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लोकसभा का? देखिए, हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की 80 सीट पे है। खास करके नेताजी हमारे गाजीपुर, लालगंज और आजमगढ़ से हमको कोऑर्डिनेटर भी बनाए। जहाँ तक मानना है मेरा, जहाँ तक विचार है, हम 27 के लिए हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोकसभा पार्टी जिताने के लिए कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हमारी पार्टी हर जगह कैसे मजबूत होगी, इसके लिए हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। बता दूं, इस वक्त मैं बागी बलिया में हूं और बागी बलिया में शिवेंद्र बहादुर सिंह हैं, जो कि सुभाषपा के बहुत ही देखा जाए तो जुझारू नेता हैं और इन दिनों सुर्खियों में बने रहते हैं। और आपको बता दूं कि एक हम लोग का खास कार्यक्रम चल रहा है, जो कि संसद में कौन, तो ये लखनऊ की जो टीम है कहीं ना कहीं इनके यहाँ शिरकत कर बैठी है और इनके कहीं ना कहीं कॉलेज है, उनके कॉलेज पर हम यहाँ पर हैं और काफ़ी इनका नाम चला है सुभाषपा में और इन दिनों पूर्वांचल में अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है, देश पर प्रदेश तक के राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो एक खास कार्यक्रम संसद में कौन के जरिए यहाँ आज हम इनके यहाँ देखा जाए तो मुलाकात होती है और इनसे मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट आपसे मैं रूबरू कराऊंगा कि कब से इनका राजनीतिक करियर रहा और क्या कुछ चल रहा और किस पद पे सुभाषपा में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी एक मानसिकता है राजनीति को लेकर, सारी पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस पे। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ की टीम है और कहीं ना कहीं आपका पहला इंटरव्यू संसद में कौन हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप फुल परिचय दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करें। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह सुभाषपा का प्रदेश महासचिव हूँ और आजमगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं सामाजिक संस्थाओं में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, उसके क्रम में मैं अपने ग्राम सभा का ग्राम प्रधान भी रहा हूँ और अभी विभिन्न सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज की सेवा का काम करने का काम भी करता हूँ। सर, बात किया जाए राजनीति का, तो एक कैसे एक मन में ख्याल आया कि मुझे राजनीति में भी उतर जाना है, हालांकि आप का सिस्टम कुछ और है लेकिन राजनीतिक सियासत पर बात की जाए, तो एक मन में एक सुझाव आया होगा या फिर किसी ने किसी के कहने पे या फिर अपने मन अपने मुताबिक अपने चल दिया राजनीतिक करियर को लेकर? वो दौर कौन सा था, कितने साल पहले अपने राजनीति में आने का एक मकसद बना लिया और आए हैं? देखिए, समाज सेवा करने का अलग अलग सभी लोगों का एक अलग अलग तरीका है। कुछ लोग राजनीति से हट के भी समाज की सेवा करते हैं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, वो लोग भी मेहनत का काम करते हैं। हम लोग चूंकि राजनीति में आने का काम है, हम लोग सामाजिक संगठन बताए हैं कि जुटे हुए भी हैं। हम लोग कॉलेज का भी काम, शिक्षण कार्य का भी काम करते रहते हैं और इन गतिविधियों से समाज में लोगों से मुलाकात होती थी। सभी लोगों ने सुझाव दिया कि आप राजनीति में आइए, राजनीति के माध्यम से और लोगों की भी सेवा की जाए, जो वंचित शोषित लोग हैं उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम किया जाए। अभी सर सुभाषपा में हैं, काफ़ी आपके जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश राजभर काफ़ी वायरल रहते हैं, ट्रेंडिंग बने हुए हैं, इन दिनों चर्चा का विषय है। मंत्री के पद को भी लेकर काफ़ी अलग पार्टियां भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई नजर आती है तमाम की, आज बनेंगे कल बनेंगे, वो तो राजनीतिक सियासत है। पर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ओपी राजभर को अभी बीजेपी समय लेगी या फिर कोई राजनीतिक सियासत का हथकंडा अभी आड़े आ रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जो लगता है बातचीत पूरी तरह से फाइनल है। माननीय नेताजी बताए भी हैं आप लोग के माध्यम से, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आप 100% श्योर हो जाइए उस दिन लिस्ट में पहला नाम रहेगा। चूंकि नेताजी मंत्री बनने के लिए नहीं गठबंधन में गए हैं, चाहते हैं कि समाज सेवा का जो काम है, शोषित वंचित गरीबों की लड़ाई लड़ने का जो प्लेटफार्म है, माननीय नेताजी की बात भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हुई, माननीय अमित शाह जी से हुई, माननीय मोदी जी से हुई, उन्होंने उन बातों पर सहमत प्रदान किया और सहमत प्रदान करने के बाद समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए, शोषित वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे लोग जो राजनीति की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, ऐसे लोग जो आज भी देश की व्यवस्था से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय नेताजी हमारे माननीय अमित शाह जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आके गठबंधन में आगामी 24 को माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए ये गठबंधन हुआ है। क्या सर देखा जाए तो आपकी भी तैयारी लोकसभा में है या नहीं, दर्शक भी जानना चाहेंगे, शिवेंद्र बहादुर सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लोकसभा का? देखिए, हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की 80 सीट पे है। खास करके नेताजी हमारे गाजीपुर, लालगंज और आजमगढ़ से हमको कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं। अभी वहाँ का प्रभार देने के बाद अभी हम कल जाके लालगंज में भी एक अतरौलिया विधानसभा का हमने काम करने का काम किया और वहीं पे एक निजामाबाद विधानसभा है, वहाँ भी संगठन को दुरुस्त करने का कल काम किया है। चूँकि संगठन निर्णय लेता है और हमको, हमारा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक विचार है, हम 27 के लिए हम विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोकसभा पार्टी जिताने के लिए कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। हमारी पार्टी हर जगह कैसे मजबूत होगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, एक चर्चा का विषय हुआ था आपके पूर्वांचल में, पूरा प्रदेश हिंदुस्तान पर धमाल मचाया, वो खबर ऐसी थी कि एसटी आरक्षण को लेकर ओपी राजभर ने प्रदेश से दिल्ली तक वो अपनी बातों को रखा है और कहीं ना कहीं कहां तक 17 जातियों को एसटी का आरक्षण कितना लाभ दिलवा पाएंगे, क्या लग रहा है कि कब तक मिलेगा एसटी का आरक्षण 17 जातियों को? देखिए, उसमें राजभर जाति का जो आज़ादी के समय
उस समय क्रिमिनल कास्ट दिखा के इनको राजनीतिक ये संविधान का लाभ लेने के लिए, खासकर के एसटी वर्ग में लाभ लेने से लिए रोक दिया गया। उसका एक दायरा है जो क्रिमिनल कास्ट दिखा के इनको रोका गया था, उसी की फाइल तैयार करा रहे हैं। 38 जनपद में से करीब 20 जनपदों का सर्वे रिपोर्ट भी आ गया है। माननीय नेताजी योगी जी से कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। जो ही सर्वे रिपोर्ट आ जाता है पूरा 38 जनपद का, तो ये रिपोर्ट दिल्ली के लिए भेज दी जाएगी। हमको लगता है कि जिस दिन दिल्ली को भेज दिया जाएगा, ये मील का पत्थर साबित होगा और माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से यह शोषित जात जो राजभर बिरादरी से आती है, भर बिरादरी से आती है, इनको एसटी का दर्जा दिलाने का काम माननीय नेताजी करेंगे, योगी जी के सहयोग से, माननीय मोदी जी के सहयोग से। क्या लग रहा है कि बिहार में जो कि जिस तरह आपका पार्टी का उभरता हुआ जनसलाब देखने को मिला, अभी कुछ महीने एक डेढ़ महीने जो भी है, एनीवे उस टाइम अभी रैली आप लोग को हुआ था पटना गांधी मैदान में, उस जनसलाब को वहाँ पर तमाम वहाँ के क्षेत्र की जनता, राजवाड़ राजवंशी, तमाम कास्ट के और भी समाज के लोग जुटे थे, लाखों की भीड़ लगी थी, तो बिहार में भी क्या आपके गठबंधन के साथ सीटें अगर मिलती है तो चुनाव लड़ा जाएगा वहाँ पर? देखिए, जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, इस भीड़ की आपकी बातों से मैं माननीय नीतीश जी और वहाँ की तेजस्वी सरकार से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो जातिगत आंकड़ा पेश किए थे लोग, वो पूरी तरह से मिथ्या था। एक दो जातियों को प्रमोट करके उन्होंने संख्या दिखाई। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितना उन्होंने राजभर की समाज, राजभर राजवंशी समाज का आंकड़ा पेश किया था, उतना तो एक एक कार्यक्रम में लोग पहुँच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना, आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग भाजपा गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में हैं। हमको पूरा विश्वास है कि माननीय जिस दिन एनडीए गठबंधन के फोरम की बैठक होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को समझाने में कामयाब रहेंगे, कम से कम बिहार में हम दो सीट का चुनाव लड़ें और उससे एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। हम दो सीट पर चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में हमसे जुड़े हुए लोग जो अभी तक शोषित वंचित हैं, जो बीजेपी के साथ भी नहीं है, अब तक बीजेपी को वोट भी नहीं देते हैं, वो सभी लोग एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे और वहाँ की 400 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के खाते में आने का काम होगा। मतलब साफ है कि वहाँ पर टोटल सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जी। और एक चीज़ और देखने को मिला कि कहीं ना कहीं आपके पार्टी में से ही कुछ देखा जाए तो महेंद्र राजभर की पार्टी एक बनी थी, जो कि अभी साठगांठ उनका बना नहीं, कि जो कि बिखरता हुआ नजर आ रहा है उनके, या फिर प्रदेश अध्यक्ष वो भी टूट गए हैं, उनके ऊपर भी तमाम कमेंट और आरोप लगाया जा रहा है, करोड़ों की ठगई का जो भी पार्टी लेवल का जो चंदा होगा या किसी से फंड लिए होंगे, इस तरह का सुर्खी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेताजी से अलग होने के बाद आपके कहीं ना कहीं तनाकसी कसते रहते हैं, इसका रीजन क्या है कि अलग होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें कहना, तरह तरह का अफवाह फैलाना, इसका वजह क्या रहता है? देखिए, हम महेंद्र जी को यही कहना चाहेंगे, चाहे किसी को भी समाज में, सबको यहाँ अपना संघर्ष करने का एक जरिया है। आपको अगर लगता है कि हम सोलदेव भारतीय समाज पार्टी में रह के मेरा दायरा नहीं बढ़ा, तो आप स्वतंत्र हैं, आप काम करिए, जनता के बीच में जाइए कि हम आपके इस मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम आपके इस मुद्दे की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, तो आपको जनता पसंद करेगी। हो सकता है कि 10 लोग, 20 लोग, एक लाख लोग, चाहे 10 लाख लोग आपके सहयोग में आ जाए, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप किसी की आलोचना करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। माननीय महेंद्र जी पूरी तरह से आम लोगों के बीच उपहास के पात्र बन गए हैं, उनके साथ कोई नहीं है। अभी उनका प्रदेश अध्यक्ष देखिए, ब्रजेश राजभर जी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि लेटर जारी करके कि मैं उनको पार्टी से निकालता हूँ, और उधर ब्रजेश राजभर जी कहते हैं कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी से निकालता हूँ। तो ये कुल मिला के ड्रामा है, इनको सीख लेना चाहिए कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप मुद्दों के बीच में, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइए, उन मुद्दों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करिए। कुछ लोग आपके बन सकते हैं, आप लोग पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई किसी का उपहास करके, किसी का विरोध करके अपना किसी को नहीं बना सकता है। माननीय महेंद्र जी बड़े नेता रहे हैं हमारी पार्टी की, अब उनकी स्थिति उपहास वाली हो गई है। सर, क्या लग रहा है कि यूपी बिहार के अलावा महाराष्ट्र में भी तैयारियाँ चल रही है? जी हाँ, हम लोग का संगठन उत्तर प्रदेश में के साथ हम लोग बिहार में भी काम करते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारी नेताजी कम से कम साल में 10 बार जाते हैं, वहाँ भी हम लोग का संगठन काम कर रहा है। वहाँ भी आप देखे होंगे कि उस दिन पहले उद्धव ठाकरे जी आके हमसे, हम लोग को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिले थे, वो बात किए थे कि आप आइए, इस तरह से काम किया जाए। तो ये बात की बात है, हमारा संगठन उत्तराखंड में भी काम कर रहा है, हम लोग मध्य प्रदेश में भी कुछ काम करने का मूड बना रहे हैं, वहाँ संगठन तो है लेकिन कमज़ोर है, तो हम लोग भी उसको एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। तो यही स्थिति है, अभी संसाधन हम लोग के सामने आड़े आ रहा है, नहीं तो हमको लगता है कि इधर 10 प्रदेश में हम लोग का संगठन काम करेगा। क्या लग रहा सर कि एक अरविंद राजभर का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, देखा जाए तो उन्होंने राजभर रेजिमेंट का मांग करते हुए नजर आए, कई जगह मंचों पर बोले हैं, अगर शासन सत्ता में लौटते हैं फिर से डबल इंजन की सरकार में आप लोग, तो क्या लग रहा है कि राजभर रेजिमेंट को कहाँ तक फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो भी बात कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, वो शोषित वंचित लोग हैं,
जिनको अभी तक वो ऊर्जा नहीं मिलती है, लगता है कि वो लोग काफ़ी दबे दबाए गए लोग हैं। अगर ऐसे लोगों की उत्थान की बात करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर कहते हैं कि राजभर रेजिमेंट बने तो बने, अरे बहुत रेजिमेंट बने हैं, यादव रेजिमेंट की मांग हो रही है, बहुत तरीके से रेजिमेंट की मांग हो रही है, तो बने। इसमें तो और लोग, सभी लोग बढ़ चढ़ के देश के सेवा में हिस्सा लेंगे, इससे और देश को मजबूती मिलेगी। शोषित वंचित लोग भी कम से कम समाज के मुख्य धारा में आएंगे, वो भी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, इसमें बुराई कोई नहीं है। सर, बिहार में जितना तेज़ी से आप लोग वायरल हो रहे हैं और जितना तेज़ी से आप लोग का जनसलाब दिखाई दे रहा है कम समय में, तो सामने वाली पार्टियां बौखला गई है कहीं ना कहीं, जो वहां की भी सरकार चल रही है और भी जो हिंदुस्तान में तमाम पार्टियां हैं, सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं, कि इतना तेज़ी से धरातल पर वहां पर आप लोग वर्क कर रहे हैं, किस तरह इतना तेज़ी से आप लोग वायरल हो रहे हैं और इतना तेज़ी से वहां पर काम कर पा रहे हैं बिहार में? वहां बिहार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में वहाँ हम लोग गाँव का चौपाल लगाने की तैयारी चल रही है। अभी तो हम लोग जिले पर और मंडल पर कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पे उदय राजभर जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी पत्नी के साथ जो पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा हैं, दोनों लोग काफ़ी मिलके, महिला और पुरुष में दोनों लोग मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं। उन लोग का यही काम है कि हम आज यहाँ कार्यक्रम खत्म किए, दूसरे उसी दिन शाम को दूसरे जगह के कार्यक्रम के लिए बस पे बैठ जाते हैं। संसाधन आड़े आ रहा है, नहीं तो जनसैलाब जो आपको दिखाई दे रहा है कम से कम उसके 10 गुना जनसैलाब दिखाई देता। अभी तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो सभी लोग अपने भाड़े से आते हैं, अपने खर्चे से आते हैं। आप देखे होंगे पटना में 3-3 दिन घर से लोग पैदल चल के पहुँचे थे और कार्यक्रम खत्म होने के 3 दिन बाद लोग अपने घर पहुँचे थे। तो जो एक एक हफ्ता के लिए कार्यक्रम में आने के लिए तैयार है, अगर उनको हम संसाधन दे दें, उनको लाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर गाड़ी दे दें, वहाँ नाश्ता की व्यवस्था कर दें, तो कम से कम 10 गुना भीड़ हो जाएगी। भीड़ को देखने के बाद विपक्षी पार्टियां बौखलाने के बाद उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि ओपी राजभर अलग जनपद और अलग राज्यों से भाड़े की भीड़ लेकर आ रहे हैं। ये हम लोग के हर जगह के विरोधी कहते हैं। यहाँ भी जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो लोग कहते थे कि जब आ रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो उनके साथ 50 गाड़ी का काफिला आ रहा है, और उस काफिला के साथ लोग भीड़ आते हैं, वो बौखला गए हैं, बौखला के लोग कहते हैं, और हमारे पास तो अपने भाड़े की व्यवस्था नहीं है, तो हम दूसरे को भाड़े का पैसा दे के कहां से बुलाएंगे। मतलब साफ है कि हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, वो चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि रोड पर हाथी चलती है, आगे मैं नहीं बताऊँगा, खुद समझदार लोग हैं। तो सर, चलते चलते लास्ट सवाल है कि अपनी पार्टी के हिताय को देखते हो और कहीं ना कहीं जितनी पार्टी आपकी तेजी से विकसित हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं को जो देखा जाए तो पार्टी के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही होते हैं, वो चाहे बिहार हो, आसाम हो, या फिर आपका जो भी अदर प्रदेश हो जहाँ मेहनत आप लोग कर रहे हैं पार्टी के बैनर तले, अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी मजबूत हैं, स्वाभिमानी हैं, वो पार्टी के लिए दिन रात चलते हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि सभी लोग अपने जिस तरह से अपने स्वार्थ से उठ के आप लोग पार्टी के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, यह लड़ाई आने वाले समय में काफ़ी रंग लाएगी, और आप जिस पार्टी को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं तो आने वाले समय में निश्चित इसका आपको लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि हमारे साथ जुड़े थे शिवेंद्र बहादुर सिंह, आपको मैंने इनका पर्चे भी दिलाया, और पर्चे के मोहताज नहीं है, देश प्रदेश पे काफ़ी सक्रिय, और न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश स्तर पे बहुत श्रृंखला इनका नज़दीक है, सोशल मीडिया पे भी हमेशा वायरल रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही कुछ खास लोगों से, जो कि हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है संसद में कौन, संसद में कौन के तहत आज हमारी मुलाकात खास शिवेंद्र बहादुर सिंह से। तो जब तक के लिए हमारे लाइव टीवी एक्सप्रेस बने रहें, मिलेंगे फिर किसी ऐसे एक बुलेटिन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।